व्यूअर्स, मैं हूँ गीता। गीता किचन पर भी आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आप मेरी हर आने वाली नई। हेलो फ्रेंड्स, इस सीजन में शिमला मिर्च बहुत अच्छी आ रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको स्टोर किया जाए एज ए पिकल के रूप में। इसके लिए मैंने एक पैन लिया, इसमें रिफाइंड ऑयल डाला, इसमें डाला 2 स्पून तरी हुई सरसों, 1/2 स्पून लाल मिर्च और 1 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इन सबको मैंने बस 1 मिनट भुना। इसके बाद डाला 1 स्पून गार्लिक पेस्ट है ये, इसे मैंने पीस लिया था मिक्सर में। इसे भी मैं अच्छे से भून लूँगी, इसका टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा जाता है फ्रेंड्स। इसके बाद इसमें मैंने हरी प्याज है इसे ऐड किया है। एक्चुअल में मैं हरी प्याज और शिमला मिर्च का अचार बना रही हूँ, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ये पूड़ी, पराठा, छोले भटूरे, पाव भाजी सभी के साथ बहुत ही अच्छा जाता है फ्रेंड्स। मैंने शिमला मिर्च को क्यूब्स में कट किया हुआ है, इसे मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि ये हरी प्याज और शिमला मिर्ची सॉफ्ट नहीं हो जाती। इसमें डाला है मैंने चीनी, टेस्ट के अनुसार सॉल्ट और भुना ज़ीरा। इसे मैंने थोड़ा सा हल्का सा क्रश करके ऐड किया है जीरा को, चाहो तो आप इसे ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद डाला है 1/2 गिलास सिरका। सिरका डालने से इस अचार की सेल्फ लाइफ बहुत बढ़ जाती है फ्रेंड्स, का टेस्ट सिर्फ सिरका की वजह से ही आता है, इसे कभी भी एस्केप मत कीजिएगा। अब हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि ये शिमला मिर्च और हमारी जो प्याज हमने डाली है वो सॉफ्ट नहीं हो जाती। इसे पकने में कम से कम 10 से 15 मिनट का समय लग जाता है। हम जितने अच्छे से इसे पकाएंगे उतना ही इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी फ्रेंड्स। इसमें डाल देंगे हम ग्रेट किया हुआ जिंजर, मींस अदरक है, इसे हमने कद्दूकस करके डाला है क्योंकि इसका जब मुंह में बाइट आता है तो काफ़ी इसके टेस्ट को इनहेंस कर देता है फ्रेंड्स। अगर आपको अदरक पसंद ना हो तो आप इसे एस्केप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगी इसके कभी भी एस्केप मत कीजिएगा। इसे हम ढक कर पकाएंगे 5 मिनट और, जिससे कि जो भी हमने मटेरियल डाला है ये आपस में मिक्स नहीं हो जाते और इसका एक बेहतरीन टेस्ट निकल कर नहीं आता है। देखिए इसमें बॉईल आ गया है, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमने जो ऑयल डाला था वो भी ऊपर आ गया है। ये इंडिकेट करता है कि हमारा जो अचार है वो बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे और इसे कांच के जार में फिल करके रख देंगे। इसे फ्रेंड्स हमेशा कांच के जार पर रखिएगा, इससे इसकी सेल्फ लाइफ तो बढ़ती ही है और ख़राब भी नहीं होता है फ्रेंड्स। अगर आपकी वीडियो रियल में ज़रा भी पसंद आई हो और इसमें कुछ भी नया लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।